हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू द चैनल टेक विद स्टिक। आज की वीडियो में हम सैमसंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन जो सैमसंग ने अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं अपने S21 सीरीज को, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च हुए हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। सैमसंग ने हाल ही में अपनी सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज को रिवील कर दिया है, जिसमें हमें S21, S21 प्लस एंड S21 अल्ट्रा देखने को मिला है। साथ में सैमसंग ने अपने इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट टैग एंड सैमसंग बर्ड्स प्रो को भी रिलीज किया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए पहले बात करते हैं S21 के बारे में, जिसमें हमें 6.2 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में इसमें हमें सैमसंग ने एक्सिनोस 2100 का, जो कि एक सैमसंग का लेटेस्ट एक्सिनोस स्मार्टफोन है 5G सपोर्ट के साथ, ये हमें इसमें दिया है। इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप 64+12+12 का देखने को दिया गया है और इसमें फ्रंट में हमें 10 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है और 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें हमें दिया गया है। सैमसंग S21 एंड S21 प्लस में दोनों की स्पेसिफिकेशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम ही है। बस S21 में 6.2 इंच डिस्प्ले दी गई है और बैटरी 4000 mAh की है। वहीं अगर हम सैमसंग S21 प्लस की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की स्क्रीन दी गई है और बैटरी इसमें 4800 mAh की दी गई है। अगर हम S21 की प्राइसिंग की बात करें तो इसमें 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज 69,999 की है। वहीं S21 प्लस में 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज 81,999 की दी गई है। सैमसंग अपने कुछ वीडियोस में पहले भी हमें बता चुका है कि वो कुछ एपिक करने वाला, और वाकई में सैमसंग ने अपने इवेंट में हमें दिखाया है कि सैमसंग ने इस बार बहुत ही एपिक काम किया है। सैमसंग S21 अल्ट्रा, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी और बहुत ही सुपर स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, जिसमें हमें 6.8 इंच की एक 2X डायनेमिक्स एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में दी गई है। वहीं अगर हम इसके कैमरा के सेटअप के बारे में बात करें तो इसमें 108+12+10+10 का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और फ्रंट में हमें 40 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें भी हमें सैमसंग का एक्सिनोस 2100 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और वहीं बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ में। S21 अल्ट्रा में बहुत ही सुपर स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलती है और इसमें फीचर्स बहुत ही धमाकेदार सैमसंग ने हमें इस बार दिए है, और वाकई में सैमसंग ने इस बार एपिक काम किया है अपने S21 अल्ट्रा में। सैमसंग S21 अल्ट्रा की जो प्राइसिंग दी गई है वो है 12GB रैम एंड 128GB स्टोरेज की 1,05,999 rupees। सैमसंग ने अपनी S21 सीरीज के साथ जो स्मार्ट टैग एंड बर्ड्स प्रो को रिलीज किया है, उसी के साथ साथ इस साल सैमसंग अपने और भी काफी स्मार्टफोन रिलीज करने वाला है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A32, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जल्दी से उसको देखिए। इसी के साथ हमें सैमसंग गैलेक्सी A42, A52 भी देखने को मिलेंगे। इसी साल सैमसंग अपने बहुत सारे स्मार्टफोन A सीरीज में एंड M सीरीज में लॉन्च करने वाला है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सैमसंग ने अपने S21 सीरीज में इतना एपिक काम किया है, आई होप कि सैमसंग के जो दूसरे स्मार्टफोन्स रिलीज होंगे इस साल वो भी बहुत अच्छी तरीके से रिलीज होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है और आप मुझे पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो होकर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।